नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। भारत दस्तक, बहुत जनों की हर खबर आपके घर तक। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है यूपी चुनाव को लेकर, जो पूरी खलबली मचा चुकी है यूपी चुनाव में। यूपी चुनाव में अभी तक आपने देखा होगा कि भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव नहीं लड़ने वाले थे। उनका कहना था कि मैं 403 विधानसभाओं पर अपने कैंडिडेट लड़वाऊंगा आजाद समाज पार्टी के द्वारा, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ने वाले थे। और उनका यह भी कहना था कि आजाद समाज पार्टी में मैं लीडर्स बनाने आया हूँ, नेता बनाने आया हूँ और सभी को लीडर्स बनाऊंगा। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है उनकी तरफ से। उन्होंने प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे दी है। चेतावनी के साथ साथ चैलेंज और चुनौती भी दे दी है उनके सामने चुनाव लड़ने की। हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूँ कि वो 403 सीटें है विधानसभा की यूपी में, किसी भी सीट से चुनाव लड़े, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। हाँ दोस्तों, ये उनका ऑफिशियल बयान है। आप पेपर की कटिंग्स देख सकते हो, कई वेबसाइट ने इसे छापा है और खुद चंद्रशेखर आजाद ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस भी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे यूपी का, उस सीट से भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चंद्रशेखर आजाद भी उसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का। अगर योगी आदित्यनाथ जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, वैसे भी उन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था, वो विधान परिषद के रास्ते से सीएम बने थे, तो हो सकता है कि चंद्रशेखर जी चुनाव ना लड़े। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी किसी भी सीट से, 403 विधानसभा सीटें हैं यूपी में, किसी भी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनके अगेंस्ट पर्चा भरेंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी। और चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि मैं उनको हराने में सक्षम हूं, क्योंकि 4.5 सालों से यूपी की जनता के अंदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई यूपी पे बहुत तेजी से बढ़ रही है, सारी जनता के अंदर, जनता जनार्दन के अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर गुस्सा है। और अगर मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, ऐसा चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है। और चंद्रशेखर आजाद जी का यह भी कहना है कि सभी विपक्षी दल मेरा समर्थन करें। तो क्या दोस्तों, आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन करोगे अगर वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं किसी विधानसभा से? तो नीचे कमेंट करके बताइए, अपना समर्थन भी आप लोग जाहिर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। भारत दस्तक, भावजनों की हर खबर आपके घर तक।